So class 4, today we start our chapter number 11, King Vakranas. इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक किंग ने कैसे एक घमंडी प्रिंसेस को सबक सिखाया. Once there was a princess called Maya. She was very proud girl. Her father Nahar Singh was a very pious man. When Princess Maya grew up, they arranged her swayamvar. This is the function in which all the kings who want to marry Maya are invited, and she would choose her husband herself from the invited king and princess. ये एक बार की बात है, एक प्रिंसेस थी जिसका नाम माया है. वो बहुत ही घमंडी लड़की थी. उसके फादर जो थे, नाहर सिंह जिनका नाम था, वो बहुत ही साधु टाइप के आदमी थे, मतलब बहुत अच्छे थे. और जब प्रिंसेस बड़ी हुई तो उसके लिए स्वयंवर रखा गया जिसमें वो अपने लिए अपना हस्बैंड चूज कर सकती थी कि उसे किससे शादी करनी है. तो जो उससे शादी करना चाहता था तो उसके पैलेस में वो किंग, मतलब वो राजा और राजकुमार सब आए. ग्रेट किंग ऑफ ऑल द किंगडम केम फ्रॉम द स्वयंवर. माया सॉ ईच ऑफ देम एंड मेड फनी कमेंट्स. फॉर हर वन वॉज टॉल क्रेन, द अदर वॉज अ फैट टब, अदर वॉज रावण राक्षस और एन एट लेग स्पाइडर एंड सो ऑन. अमंग देम वॉज अ ग्रेट किंग. माया सॉ हिम एंड कमेंटेड दैट ही वॉज वक्रनास क्रूक्ड नोज. ऑल द असेंबल पीपल लव्ड. बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा आए स्वयंवर के लिए और माया ने सबको देखा और सबके बारे में कुछ ना कुछ मजाक या कमेंट बनाया. तो उसी में एक किंग थे जो वक्रनास, उनके बारे में भी उसने अजीब और कमेंट किया, उनका मजाक उड़ाया. तो वहाँ पर जितने भी लोग थे सब हंसने लगे. देन माया टोल्ड हर फादर दैट ऑफ ऑल द किंग्स असेंबल्ड देयर नन वर टू हर लाइकिंग. नाहर सिंह बिकेम वेरी एंग्री एंड टोल्ड इफ दिस इज द केस यू विल नेवर गेट मैरिड. आई विल गिव यू इन मैरिज टू द फर्स्ट मेल बेगर हु कम्स टू माई पैलेस. फिर माया ने अपने फादर से कहा कि यहाँ पर जितने भी लोग आए थे मेरे पसंद का तो उसमें कोई एक भी नहीं था. तो नाहर सिंह जो थे वो गुस्सा हो गए और उसने कहा कि अगर यही हाल रहा तो तुम्हारी शादी कभी नहीं हो पाएगी. तो फिर उन्होंने गुस्से में कहा कि अब कल सुबह कोई भी भिखारी आएगा, मेल भिखारी, तो मैं उससे तुम्हारी शादी करा दूंगा. नेक्स्ट मॉर्निंग वन बेगर केम टू द पैलेस एंड रिक्वेस्टेड फॉर सम फूड. द वॉचमैन टुक हिम टू नाहर सिंह. द बेगर अगेन आस्क्ड फॉर फूड. देन किंग टोल्ड हिम डेफिनेटली आई विल गिव यू फूड फॉर टुडे, बट आई विल गिव यू प्रिंसेस माया. द प्रिंसेस प्रोटेस्टेड शी वॉज गिवन इन मैरिज टू द बेगर. नेक्स्ट डे द बेगर टोल्ड माया इट इज टाइम फॉर अस टू गो टू आवर हाउम. अगले दिन अगली सुबह एक भिखारी आया पैलेस में और उसको कुछ खाना मांगने लगा. तो वॉचमैन ने उसको कहाँ ले गया, नाहर सिंह के पास ले गया. फिर उस भिखारी ने फिर खाने के लिए कहा कि मुझे खाना दे दो. तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम तुम्हें खाना ज़रूर देंगे लेकिन खाने के साथ साथ तुमको प्रिंसेस माया को भी देंगे. और माया के बहुत प्रोटेस्ट करने के बाद, मतलब इस चीज़ पे नाराज़ी होने के बाद भी उसकी शादी उस बेगर से हो जाती है. अगले दिन वो बेगर माया से कहता है कि चलो अब ये टाइम हो गया, हमें अपने घर जाना चाहिए. सो प्लीज स्टार्ट. व्हेन माया केम आउट ऑफ द पैलेस शी केम टू नो दैट दे हैव ओनली टू वॉक. ऑल द नेक्स्ट डे दे वॉक्ड एंड दे रीच्ड अ बिग ग्रेप गार्डन. तो फिर उससे कहता है कि चलो अब यहाँ से. जब माया बाहर आई पैलेस से तो उसको ये समझ में आया कि अब उसको सिर्फ पैदल ही चलना है. अगले दिन वो पूरा चलती रही और एक बड़े से ग्रेप के, अंगूर के गार्डन में पहुंची. माया आस्क्ड द बेगर होम डज दिस गार्डन बिलोंग टू. द बेगर रिप्लाइड ऑफ कोर्स टू द किंग वक्रनास. तो माया ने उस बेगर से कहा कि ये किसका गार्डन है. तो बेगर ने रिप्लाई दिया कि ये किंग वक्रनास का है. माया फेल्ट सैड दैट शी हैड नॉट मैरिड किंग वक्रनास. तब माया को अफसोस हुआ कि उसकी शादी किंग वक्रनास से नहीं हुई. दे वॉक फर्दर एंड सॉ अ ब्यूटीफुल पैलेस. माया अगेन आस्क्ड होम डज दिस पैलेस बिलोंग टू. द बेगर रिप्लाइड ऑफ कोर्स टू किंग वक्रनास. फिर वो लोग आगे बढ़े और एक बड़ा सा ब्यूटीफुल महल देखा उन्होंने. फिर माया ने पूछा कि ये किसका है. तो उसने रिप्लाई किया ये भी किंग वक्रनास का है. माया फेल्ट फर्दर सैड दैट शी हैड नॉट मैरिड किंग वक्रनास. दे वॉक्ड फर्दर एंड रीच्ड अ वेरी ग्रेट टाउन. माया आस्क्ड
whom does this town belong to? The beggar replied, of course, to King Vakrinas. फिर वो एक बड़े से एक कस्बे में पहुंची, एक बड़े से शहर में पहुंची, तो उसने उससे पूछा कि बेगर से कि ये किसका है, तो उसने फिर रिप्लाई किया कि ये भी किंग वक्रनास का है. माया ऑलमोस्ट स्टार्टेड क्राइंग. द बेगर चिडेड हर एंड टोल्ड, यू हैव नॉट मैरिड किंग वक्रनास, यू आर माय वाइफ, सो यू शुड नॉट विश फॉर ऑल दीज थिंग्स. फिर माया क्या हुई ये सब सुनकर के वो एकदम से रोने लगी, तो उस बेगर ने उसको डांटा और कहा कि तुम्हारी शादी किंग वक्रनास से नहीं हुई, तुम मेरी वाइफ हो, तो तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए सोचना भी नहीं चाहिए. देन आउटसाइड द टाउन दे वेंट नियर अ स्मॉल हट. माया आस्क्ड, हुम डज दिस नास्टी हट बिलोंग? द बेगर रिप्लाइड, इट बिलोंग्स टू मी एंड फ्रॉम नाउ ऑन इट इज़ योर्स ऑल्सो. फिर उस शहर के बाहर वो एक छोटी सी हट के पास पहुंचे. माया ने पूछा उससे ये गंदी सी हट किसकी है, तो बेगर ने रिप्लाई किया ये मेरी है और आज से तुम्हारी है. एंटर द हट एंड क्लीन इट अप, और अंदर जाओ, झोपड़ी के अंदर जाओ और उसको साफ करो. माया फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू एंटर द हट. शी डिड नॉट नो हाउ टू क्लीन विद अ ब्रूम स्टिक. शी आस्क्ड द बेगर, वेयर आर आवर सर्वेंट्स? द बेगर रिप्लाइड, वी आर टू पुअर, वी डू नॉट हैव सर्वेंट्स. इन फैक्ट फ्रॉम टुमारो यू हैव टू डू सम वर्क. देन द बेगर आस्क्ड हर टू कुक. शी हैड नेवर कुक्ड इन हर लाइफ. फिर माया को अंदर जाने में बड़ी दिक्कत होती थी कि उसका दरवाज़ा, जो हट का दरवाज़ा था वो काफ़ी छोटा था, तो उसको जब उसने बेगर ने उसको ऑर्डर किया कि अंदर जाओ और साफ करो, तो उसको पता नहीं था कि कैसे झाड़ू से सफाई की जाती है. उसने अपने हस्बैंड से पूछा कि हमारे नौकर कहाँ, हमारे सर्वेंट्स कहाँ हैं, तो बेगर रिप्लाई करता है कि हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं, हमारे पास कोई सर्वेंट नहीं है, और कल से तुम्हें भी कुछ काम करना पड़ेगा ताकि हम लोगों के पास पैसे हों तो हम खाना वाना खा सकें. तो और उसको कहा कि तुम खाना बनाओ. उसने माया ने कभी भी ये अपनी लाइफ में कुकिंग नहीं करी थी. द बेगर ऑल्सो टॉट हर टू कुक. ही आस्क्ड हर टू मेक बास्केट्स टू सो दैट दे कैन सेल देम इन मार्केट, बट हर हैंड स्टार्टेड ब्लीडिंग. बेगर ने उसको खाना बनाना सिखाया, फिर उसको कहा कि तुम बास्केटें बनाओ ताकि वो उसको मार्केट में सेल कर सके. तो लेकिन उसके हाथ जो थे बनाते बनाते हाथों में से ब्लड आने लगा. देन ही आस्क्ड हर टू मेक द टॉयज सो दैट ही कैन सेल देम इन मार्केट. फिर उससे कहा कि तुम अच्छा टॉयज बनाओ ताकि वो उसको मार्केट में सेल कर सके. बट देन हर हैंड स्टार्ट इन पेनिंग. लेकिन उसको बनाने में भी उसके हाथों में दर्द होने लगा. सो ही टोल्ड हर, यू डू नॉट नो एनी वर्क, सो यू बेटर सेल पॉट्स इन द मार्केट. तो फिर उसने गुस्से में कहा, बेगर ने अपनी वाइफ से, कि तुम्हें कोई काम नहीं आता, इससे अच्छा है तुम जा कर के मार्केट में पॉट्स बेचो. दो माया फेल्ट बैड दैट सम ऑफ हर फादर्स पीपल विल सी हर एंड लाफ एट हर, शी एग्रीड. माया को इस चीज़ को देखकर सोच करके बुरा तो लगा कि उसके पापा के जानने वाले उसको मार्केट में इस तरह हालत में देखेंगे और उस पर हंसेंगे, लेकिन वो फिर भी मान गई. राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे शी वॉज एबल टू सेल लॉट ऑफ पॉट्स. और पहले दिन से ही वो उसने काफ़ी ज़्यादा पॉट्स बेच लिए थे. दे वर एबल टू बाय थिंग फ्रॉम मार्केट. अब उनके पास कुछ पैसे थे कि वो मार्केट से कुछ चीज़ें खरीद सकें. बट आफ्टर अ वीक वन पुलिसमैन केम टू द मार्केट वेयर शी वॉज सेलिंग पॉट्स एंड ब्रोक ऑल ऑफ देम. फिर एक हफ्ते के बाद कुछ एक पुलिसमैन आया वहाँ पर, और वहाँ जहाँ वो पॉट्स बेच रही थी उसने पुलिसमैन ने उसके सारे पॉट्स को तोड़ दिया. माया क्राइड बैडली. द बेगर टू देन टोल्ड हर, प्लीज डू नॉट क्राई. माया रोने लगी बहुत बुरी तरीके से. तो बेगर ने उससे कहा कि प्लीज़ तुम रो नहीं. आई हैव अ फ्रेंड इन द पैलेस, ही हैज़ एग्रीड टू गेट यू अ जॉब एज अ कुक्स असिस्टेंट. तो कहने लगा कि महल में, बेगर ने माया से कहा, महल में मेरा एक फ्रेंड है जो तुम्हें कुक की असिस्टेंट की जॉब दे देगा. माया एग्री हो गई इस बात पे. इन द पैलेस द चीफ कुक ट्रीटेड हर वेरी बैडली. पैलेस में, महल में जो चीफ कुक था जिसको वो असिस्ट कर रही थी, उसने उसको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया. अपार्ट फ्रॉम डूइंग वर्क शी ऑल्सो हैड टू टेक अ बैग फ्रॉम होम एंड ब्रिंग द बेगर फूड फ्रॉम द पैलेस. और काम करने के अलावा उसको एक काम ये भी करना था कि जो महल में भिखारियों के लिए खाना होता है वो अपने घर लेके आना था. वन डे द कुक टोल्ड दैट द किंग वॉज गेटिंग मैरिड. एक दिन
कुक ने कहा कि राजा की शादी हो रही है, माया हैड टू सर्व फूड टू द गेस्ट, और माया को खाना सर्व करना है मेहमानों को। शी वॉज गिवेन अ गुड ड्रेस टू वेयर, उसको अच्छा सा ड्रेस दिया गया पहनने के लिए। वाइल शी वॉज क्राइंग एंड सर्विंग फूड शी सॉ किंग वक्रनास, और वो रो रही थी और सर्व कर रही थी फूड, उसने किंग वक्रनास को देखा। ही कॉट होल्ड ऑफ हर एंड ड्रैग्ड हर टू द मैरिज हॉल, उसने माया को कस के पकड़ा और घसीटता हुआ मैरिज हॉल ले आया। द फूड शी वॉज कैरिंग फॉर हर हस्बैंड फेल ऑल ओवर द फ्लोर, जो हाथ में वो खाना पकड़ी हुई थी अपने हस्बैंड के लिए वो क्या हुआ, पूरा सब जमीन पे गिर गया। ऑल पीपल हु वर देयर मेड फन ऑफ हर एंड लाव्ड, और जितने लोग वहाँ पर थे सब उसका मजाक उड़ाने लगे और उस पर हंसने लगे। माया स्टार्टेड क्राइंग वेरी लाउडली, माया बहुत जोर जोर से रोने लगी। देन किंग वक्रनास केम नियर एंड टोल्ड हर प्रिंसेस माया डू नॉट क्राई, फिर किंग वक्रनास उसके पास आए और उससे कहा कि प्रिंसेस माया रो मत, आई एम योर हस्बैंड, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। टिल नाउ वॉज द वन हु वॉज एक्टिंग लाइक अ बेगर, और मैं ही हूँ जो बेगर की तरह एक्ट कर रहा था, बेगर का रूप लिया हुआ था। आई वॉन्टेड यू टू लर्न हाउ टू लिव, मैं ये चाहता था तुम ये सीखो कि जीते कैसे हैं। आई वॉन्टेड यू नॉट टू बी प्राउड, मैं ये नहीं चाहता कि तुम प्राउड हो, मतलब तुम घमंडी हो। माया स्माइल एंड सॉ दैट हर पेरेंट्स ऑल्सो हैड कम, माया ने स्माइल किया और उसने ये भी देखा कि उसके पेरेंट्स भी वहाँ आ गए थे। सो द प्राउड प्रिंसेस माया बिकेम द वेरी गुड क्वीन ऑफ द किंग वक्रनास, और फिर ऐसे ही माया जो थी, जो बहुत ही ख़राब सी घमंडी लड़की थी, वो बहुत ही अच्छी क्वीन बनी किंग वक्रनास की